अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्पेल से, ठीक है। कार्पेल इज फ्लास्क शेपिट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। कार्पेल जो है एक फ्लास्क शेपिट ऑर्गन होता है जो फ्लावर के कहाँ पे रहता है, सेंटर में होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल, इसे और क्या कहा जाता है, पिस्टिल भी कहा जाता है। इट इज़ द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट। जो ये जो है फीमेल के ऑर्गन, जो फ्लावर के फीमेल ऑर्गन होता है जो तीन पार्ट से बना होता है, क्या क्या होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और ओवरी होता है। ओके तो सबसे पहले स्टाइल देखिए। इट इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्वॉलन एट द बेस। ये जो है लॉन्ग होता है, थिन होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो क्या होता है, बेस पार्ट से क्या होता है, बहुत ही स्वॉलन होता है। ओके इसके बाद हमारा स्टिग्मा होता है। इट स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पल लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल। ये एक स्मॉल राउंड शेप्ड या स्टिकी पार्ट होता है कार्पल का, जो कहाँ पे होता है, स्टाइल के टॉप पार्ट पे लोकेट होता है। इट्स फंक्शन इज टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स दैट फॉल ऑन इट। इसका फंक्शन क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है, जो वहाँ से गिरता है उनको जल्दी से क्या करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। ओवरी देखिए, जो पोलन ग्रेन से उसको ट्रैप करके जो रखता है, ठीक है, वो वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ओवरी क्या होता है, ओवरी इज़ द स्वॉलन एंड, ओवरी जो है वो स्वॉलन एंड होता है एट द बेस ऑफ कार्पल, जो कार्पल के नीचे सबसे बेस पार्ट में होता है। इट हैज़ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। यहाँ पे जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होता है, आप डायग्राम पे देख सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है जिन्हें ओव्यूल्स कहा जाता है। The ovules are actually the female part of the organ. जो ovules है वो असल में क्या होता है, फीमेल जो पार्ट होता है, फीमेल ऑर्गन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा ovules होता है, ठीक है। ए फ्लावर दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर पार्ट, जो फ्लावर कंसिस्ट होता है चार पार्ट से, सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पल्स, उन्हें हम क्या कहा जाता है, एक कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज उनके अंदर होता है। इन सम फ्लावर लाइक डाटा पॉम, जो कुछ ऐसा फ्लावर्स है, डाटा पॉम, मलबरी, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, वन और मोर पार्ट मे बी मिसिंग, या एक पार्ट या एक से ज़्यादा पार्ट, ठीक है, ये क्या होता है, मिसिंग होता है, उन फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहा जाता है। सम फ्लावर्स हैव बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन वन फ्लावर, कुछ प्लांट के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट पे होता है फ्लावर्स की, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है, जैसे चाइना रोज के अंदर। इन सम फ्लावर ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट, सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल हो या फीमेल, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जिसे क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है, ठीक है। दे आर वो यूनिसेक्सुअल होता है, जैसे पपाया, बेटा गॉड, कैकम्बर इनके अंदर होता है, ठीक है। और लास्ट में फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स अगर देखें, फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। फ्लावर्स बिकम फ्रूट दैट स्टोर फूड एंड सीड्स, फ्लावर क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है, इसके बाद वो क्या करता है, उन फूड और सीड्स को जो है स्टोर करके रखता है। मॉडिफाइड फ्लावर, कुछ मॉडिफाइड फ्लावर होते हैं हमारे, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, इनके अंदर बहुत सारे विटामिन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इज़ ए सोर्स ऑफ फूड फॉर इंसेक्ट, जो फ्लावर्स के ऊपर जो नेक्टर होता है, जो सक करता है इंसेक्ट, ठीक है, वो कुछ इंसेक्ट्स के लिए क्या बनते हैं, फूड भी बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो तब तक